मैं आपकी चिंता जानती हूं बाबा। आपको शत्रुओं का भय नहीं, अपनों का भय है। यदि पुत्री के स्थान पे आपने पुत्र को जन्म दिया होता तो अब तक आपने उसको अवश्य सारी बात कह दी होती। लेकिन मैं पुत्री हुई तो क्या हुआ, मैं आपको चिंता नहीं करने दूंगी बाबा। कुमार, अपनी कल्पना के संसार से बाहर निकलो। विवाह कोई गुड़े गुड़ियों का खेल नहीं है। और जब तक मैं अपने माता पिता के चरणों का आशीर्वाद नहीं ले लेती, तब तक मैं आपको अपनी पलकें उठाकर नहीं देखूंगी। और वैसे भी मैंने आपको पहचानने में भूल नहीं की। भूलने का स्वभाव आपका है और भूलने वाले को दंड अवश्य मिलता है। इसलिए अब निर्णय लेने का अधिकार आपका नहीं, हमारा है। हमने जो अनुभव किया वो आपसे कह दिया। यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ करना। किंतु हमारी शिक्षा ये कहती है कि किसी को प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। और वैसे भी हमें आपकी सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा सच्चा प्रेम आपकी सहमति पा लेगा।